बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब व्यूअर? मैं उम्मीद करता हूँ सब बहुत बहुत खुश होंगे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज संडे है और मैं जो है ना अपने गाँव आया हूँ। सुबह के हम फिर रहे हैं बड़ा ज़्यादा, और आज आपको मैं एक ऐसी नई जगह पर लेके जाऊँगा जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो अभी बस भैया आ जाए, वो ज़रा काम गए हैं, घर में कोई भी नहीं है, मैं ही हूँ। तो आएँगे फिर हम चलेंगे, ठीक है? तो मैं आपको वहाँ पर जाकर मिलूँगा। आज का दिन बहुत बहुत मज़े वाला है, क्योंकि आज संडे है, संडे को यश ही होती है और कोई काम नहीं। तो बहुत मज़े का व्लॉग होगा इंशाल्लाह, तो पूरा देखें। तो जो ना मैं अभी चल पड़ा हूँ अपने सफ़र पे। आज आपको मैं ना पैदल सारा दिखाऊंगा। तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ, मेरे पास बाइक भी नहीं है। बड़ा लंबा सफ़र है, पैदल चल के जाना दूर तक। टाइम हो गया 3:30 के करीब, तो मैं अभी जा रहा हूँ, ठीक है? कभी यहाँ अंगूर लगे होते थे बड़े ज़्यादा, ये जितने भी सूखे दरख्त थे ना अंगूर के थे। ये अभी वेल पता नहीं किस चीज़ की है। इतनी डरोनी डरोनी चीज़ें हैं यार, इधर कसम से खौफ आता है देख के। तो बा फीड वाला फार्म, अभी आपको मैं नहर के पास लेके जाने लगा हूँ। बड़ा ही मज़ा आना है यार, मेरे इर्द गिर्द सारा स्टाला लगा हुआ है, बड़ा प्यारा लगता है। इधर ये झाड़ियाँ खुश्क, ज़मीन गहरी की हुई है, मिट्टी खोद खोद के बेच देते हैं। तो मैं अभी आपको लेके जाता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा आज। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत जितनी मर्जी देख लो कम है यार, मज़ा ही बढ़। पर ये ना एक अमरूदों का बाग है, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। वहाँ से अमरूद भी खाएंगे अगर अंकल वहाँ पे हुए ना, अगर उन्होंने लगाए हुए तो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप स्कूल जाते हैं और आपकी ज़िंदगी में भी इतवार वाला दिन आता है, संडे मतलब, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आप कौन कौन सी एक्टिविटी जो है ना इतवार वाले दिन करते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर नीचे जो है ना मुझे बताएँ। तो अभी जो है ना बाग की तरफ चलते हैं, लेकिन यार मुझे दूर से ही नज़र आ गया, देखें कोई फट्टा वगैरह नहीं लगा हुआ, सारे फट्टे बंद पड़े हैं। यहाँ पे एक दो लगे होते थे लेकिन अब नहीं है बाग, लेकिन जो है ना वो मौजूद है। तो देखते हैं अमरूद लगे हैं कि नहीं। ये देखें बाग, ये बाग तकरीबन ना 20-25 साल पुराना बाग है और अमरूद लगे हुए हैं। ये देखें कहाँ गए हैं, ये देखें छोटे छोटे अमरूद लगे हुए हैं, बड़े भी यकीनन होंगे अंदर, लेकिन छोटे हैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। मैं नहीं जा सकता क्योंकि अच्छा नहीं लगता, और इधर किसी का पता भी कोई नहीं है, जहाँ मर्जी कोई आ जाए अभी मैं पकड़ा जाऊँ। और बाकी ये है बाग, तो कोई भी नहीं है इधर, हम नहर की तरफ चलते। सन्नाटा इतना है ज़्यादा, इसका कोई हिसाब ही नहीं है, फुल खामोशी। और ये देखें कितना प्यारा सीन है, माशाल्लाह यार दिल खुश हो गया। इतने प्यारे डिज़ाइन से काटा हुआ है इन्होंने साग, मेरे ख्याल से सरसों का। करीब आके ना हवेलियाँ नज़र आती हैं सबसे पहले, क्योंकि इनको पानी की ज़रूरत होती है। और ये काफ़ी बड़ी बड़ी हवेली है, इधर देखो कितनी बड़ी है। ओहो सॉरी यार, ये तो कब्रिस्तान है, इसके आगे हवेली है। ये जो बड़ा सारा ना एक कब्रिस्तान है, इसके आगे हवेलियाँ इधर उधर। लो जी मैं नहर के पास पहुंच गया बिल्कुल। सूखी पड़ी है, सर्दियां ने इस वजह से। ये देखो जी,
गांव रहते हैं तो आपको पता होगा हर नहर के पास कहीं ना कहीं नलका ज़रूर होता है, क्योंकि इधर का पानी बिल्कुल साफ और ठंडा होता है पानी। इतनी दूर में चल के आ गया ना यार, सही बात है। साथ वाला रोड चलता है बस इसका, और जो इधर वाला रोड है ना ये सारा कच्चा है, ख़राब है, सही है, ये नहीं चलता है। और ये बिल्कुल साथ हवेली है इसके, इधर नहर, इधर को यार भैंसों ने गुजर के सारा रास्ता ही ख़राब कर दिया हुआ है। जब मैं छोटा होता था मैं भी यहाँ कभी नहाया करता था, यहाँ पे मुझे डर लगता था ज़्यादा, और मैं इधर नहाया करता था। मुझे आज भी याद है इस जगह का, तब मैं इसके अंदर भी बड़ा सा ना छोटा होता था ना, इसके अंदर भी जो डूबने के करीब होता था मैं, और ये टोया आज भी मौजूद है देखें, जहाँ भैंसें ना नहाती हैं, सारी भैंसें इधर नहाती हैं। जब ये बारिश होती है ना तो ये अक्सर भर जाता है, तो फिर काफ़ी दिन तक भरा ही रहता है, तो भैंसें जो है ना मज़े से नहाती रहती आती। अब भी देखें यार इतना गहरा है ना ये, इधर बड़े इस तरह के सीन है। अभी मैं आपको एक ऐसी भयानक चीज़ दिखाने लगा ना जिसको आपको कभी भी ना पता ही नहीं होना है कि गुजरांवाला का कचरा किधर गिरता है। दो जगह हैं, एक तो जो है ना वो इधर कंगनी वाले से आगे जा गया कामोगी के पास, काफ़ी बड़ा ढेर है यार उधर, तो उधर तो हद है ना। और जो छोटा है ना वो इधर हम आपको दिखाते, देखें यहाँ से शुरू होता है सारा कचरा पड़ा हुआ है यहाँ तक। बड़ा ही ज़्यादा कचरा है, पानी देखें सूखा पड़ा, दलदल ये सारी की सारी। वहाँ आगे जाकर यूनिवर्सिटी भी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, कॉलेज है क्या पता नहीं, यूनिवर्सिटी है। और ये देखें सारी की सारी दीवार बना रहे हैं, आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो पीछे दीवार बनी है और आगे ये भी बना रहे हैं सारी, ताकि रोड महफूज हो जाए। बड़ी कमाल की बात है ये भी। वैसे कैसा लगा आपको मेरा गांव? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और कौन कौन सी चीज़ें आपको पसंद आई हैं गांव के अंदर वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।